आज के इस व्याख्यान ई व्याख्यान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है संसाधन भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। अन्य प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों की तरह संसाधन भूगोल का भी ऐसे अधिकांश विज्ञानों से संबंध होता है जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग करने में सभी तरह के विद्वानों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संसाधन भूगोल का घनिष्ठ संबंध निम्न विज्ञानों से होता है। प्रथम, संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र। इन दोनों ही विषयों के अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण से संसाधनों का उपयोग करके अपनाए जाने वाले आर्थिक व्यवसायों जैसे कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में परस्पर संबंध पाया जाता है। सेकंड, संसाधन भूगोल और सांख्यिकी। इन दोनों ही विषयों में संसाधनों की मात्राओं और सांस्कृतिक तथ्यों के मापन के साथ साथ मानव संसाधन में जनसंख्या के विविध पक्षों का अध्ययन सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और सांख्यिकी में परस्पर संबंध पाया जाता है। थर्ड, संसाधन भूगोल और भूविज्ञान। जिस प्रकार संसाधन भूगोल में भूमि संसाधनों अर्थात पर्वत, मैदान, घाटियों एवं पठारों के उपयोग, विशेषकर खनिज पदार्थों के संबंध में का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार भूविज्ञान में भी भू आकृतियों, चट्टानों और खनिजों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार संसाधन भूगोल और भूविज्ञान में परस्पर संबंध होता है। फोर्थ, संसाधन भूगोल और मृदा विज्ञान। मनुष्यों को भोजन चाहे शाकाहारी या मांसाहारी की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा तथा अप्रत्यक्ष रूप से पशुओं द्वारा जो वनस्पति पर निर्भर होते हैं मिट्टी से ही प्राप्त होती है। मिट्टियों का अध्ययन करना मूल रूप से मृदा विज्ञान का विषय है, जबकि भोजन सामग्री उत्पन्न करने वाले मृदा संसाधन का अध्ययन करना संसाधन भूगोल का विषय है। इस प्रकार संसाधन भूगोल और मृदा विज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। फिफ्थ, संसाधन भूगोल और कृषि विज्ञान। जिस प्रकार संसाधन भूगोल में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूलतम दशाओं, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने की तकनीकों और अन्य कृषिगत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार कृषि विज्ञान में भी किसी फसल विशेष के अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और कृषि विज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सिक्स्थ, संसाधन भूगोल और समुद्र विज्ञान अथवा जल विज्ञान। इन दोनों ही विषयों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों में जल के महत्व अर्थात पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और नौ परिवहन के लिए इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और जल एवं समुद्र विज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सेवंथ, संसाधन भूगोल और जीव विज्ञान। धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भौतिक वातावरण के अनुसार वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति होती है। मानव द्वारा वनारोपण एवं पशुपालन भी किया जाता है। इन सब से मनुष्यों को संसाधन के रूप में खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के अलावा अन्य पदार्थों की जैसे कि लकड़ी, गोंद, उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रदेश में पारिस्थिति का बनाए रखने में मनुष्य, वनस्पति एवं अन्य जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उक्त सभी तथ्यों का अध्ययन संसाधन भूगोल और जीव विज्ञान में किए जाने के कारण इनमें आपसी संबंध पाया जाता है। एट्थ, संसाधन भूगोल और धात्विक विज्ञान। संसाधन भूगोल में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध धात्विक खनिजों जैसे लोहा, तांबा, मैंगनीज, जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जबकि
धात्विक विज्ञान में इन सभी प्रकार के खनिजों की संरचना, गुण, उपयोग के प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और धात्विक विज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 9th, संसाधन भूगोल और अभियांत्रिकी विज्ञान। जिस प्रकार संसाधन भूगोल में शक्ति संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं परमाणु खनिजों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार अभियांत्रिकी विज्ञान में शक्ति संसाधनों से प्राप्त उपजात पदार्थ बाय प्रोडक्ट्स जैसे तेल शोधन में तकनीकी का विकास, उद्योगों में विभिन्न पदार्थों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग एवं माल तैयार करने में उत्पादन विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और अभियांत्रिकी विज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 10th, संसाधन भूगोल और सैन्य विज्ञान। इन दोनों ही विषयों के अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाओं में जनशक्ति अर्थात जनसंख्या, सैनिक उपकरणों के निर्माण में काम आने वाले खनिजों, यंत्रों के निर्माण में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों और भूमि संसाधनों जैसे स्थिति, अवस्थिति, भूरचना, जलवायु प्रवाह आदि की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संसाधन भूगोल और सैन्य विज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उक्त विषयों अथवा विज्ञानों के अलावा संसाधन भूगोल का व्यापार एवं वाणिज्य विज्ञान, परिवहन भूगोल, रसायन विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान जो कि नवीन संसाधनों की खोज की दृष्टि से मुख्य है, इन सब का आपस संसाधन भूगोल के साथ घनिष्ठ संबंध होता है।